जनपद हरिद्वार के भगवानपुरा क्षेत्र में नकली दवाइयों के कारोबार पर एसटीएफ विजिलेंस और ड्रग निरीक्षण टीम ने कार्रवाई की। संयुक्त रूप से टीम ने डाडा जलालपुर गांव में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में दवाई और रैपर बरामद हुए हैं। वहीं टीम ने दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। ड्रग्स विभाग के अधिकारी ने बताया कि गांव में एलोपैथिक दवाइयां बनाई जा रही हैं। टीम ने मशीन रैपर को जब्त कर सील किया है। मुख्य आरोपी मौके से फरार है। आरोपियों के खिलाफ भगवानपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। हरिद्वार से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जलालपुर डाडा भगवानपुर में किसी गांव में एक शिकायत मिली थी कि वहां पर नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है, और एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम द्वारा वहां पे एफडीए विजिलेंस के द्वारा वहां पे छापा मारा गया। और मौके पे वहां पे जो दवाइयां बनाई जा रही थी, फूड के जो दवाइयां बनाई जा रही थी मल्टी विटामिन, उसके साथ साथ एलोपैथिक दवाइयों का भी निर्माण किया जा रहा था। और मौके पर हमारे द्वारा वहाँ पर से 7 पेटियां दवाइयों की और उसके अतिरिक्त कुछ मशीनें और एल्युमिनियम फॉइल्स पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया है।